तो कमेंट करो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं ये सीरीज जल्दी से आपके लिए जनवरी uh, मतलब पार्ट वन लेकर कर आऊँगी ट्वेंटी ट्वेंटी टू का राइट right? और मैं आपको बताना चाहती हूं ये वीडियोज किसको देखनी चाहिए देखिए आप किसी भी लॉ इंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं चाहे आप थ्री ईयर लॉ इंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं चाहे फाइव ईयर की कर रहे हैं ये वीडियोज़ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी चाहे आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करें एलेट स्लैट के लिए प्रिपेयर करें एम एच सी टी के लिए करें डेली यूनिवर्सिटी कर रहे हैं एनएल साट के लिए करें जो कि एन एल एस आई यू बैंगलोर का एग्जाम है आप बी एच यू के लिए कर रहे हैं ए एमयू के लिए करें जामिया के लिए करें हेल्प यू नॉट ओनली दिस अगर आप एल एल एम की प्रपरेशन कर रहे हैं, हैं चाहे वो क्लैट के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट एल एल एम के लिए तो ये आपकी इंडिविजुअल क्लास लगा लीजिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं क्लैट एल एल एम के लिए मैं आपको जजमेंट्स uh, की कॉपीज भी दे देती हूँ अपनी वेबसाइट पर फ्री जजमेंट्स की कॉपीज प्रोवाइड करती हूँ जो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी उसके बाद एलेट के लिए प्रिपेयर करो तो ये वीडियोज आपको हेल्प करेंगी बिकॉज उसमें ऐसे राइटिंग है इस बार ये सिम्बाइसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये बहुत in, in lat, बहुत ज्यादा ज्यादा हेल्प हेल्प करेंगे एन एन आपका एग्जाम है करेंगे आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहने में हेल्प करेंगी ये आप एक लॉयर हो तब भी ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प हैं इस सेशन के साथ जल्दी से या गाईगा गाईगा And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Lockery. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected.

बहुत ही ज्यादा देर के लिए उसको जेल में डालना और उसके ट्रायल में कोई प्रोग्रेस नहीं है और अपील प्रोसेस इज अ वायलेशन ऑफ हिज ये क्या वायलेट करता है उसकी फंडामेंटल राइट एंड अ थ्रेट टू पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन द जजमेंट ये सारा का सारा नोट करेंगे इंपॉर्टेंट है एन एल वाले बच्चे तो इस जजमेंट को पढ़ेंगे भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखिए ये ठीक है ना कि पब्लिक कॉन्फिडेंस पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी उठ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वेल डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी फॉर सम पीरियड मे नॉट बी अवॉइडेबल द पीरियड ऑफ डिप्राइवेशन पेंडिंग ट्रायल और अपील कैन नॉट बी अनड्यूली लॉन्ग ठीक है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है उनको अरेस्ट करना उनको जेल में रखना ये अवॉइडेबल नहीं है बट क्या अवॉइडेबल है कि ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम ना लगे कम टाइम में ट्रायल कंप्लीट हो जाए एट द सेम टाइम टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिनाइल ऑफ पीडी जस्टिस इज अ थ्रेट टू पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ठीक है वंस इट इज नोन टाइमली ट्रायल इज नॉट पॉसिबल अब अगेन ये वाला नोट करेंगे हम ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद वो क्या कहते हैं कि एक बार पता चल गया वंस इट इज़ नोन दैट टाइमली ट्रायल इज नॉट पॉसिबल एंड द क्यूज़ हैज़ ऑलरेडी सफर्ड अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ इंकनेशन द कोर्ट्स आर ऑब्लिगेटेड टू इन लार्ज एंड अंडर ट्रायल ऑन बेल वो कहते हैं कि एक बार पता चल गया कि जो ट्रायल है उस पर टाइम लगेगा किसी भी वजह से टाइम लग सकता है तो और वो बहुत ज़्यादा टाइम जेल में ऑलरेडी रह चुका है

दाइट द पीरियड ऑफ इंकारेशन विच ही हैज अंडरगॉन एंड द लाइकलीहुड पीरियड विद इन विच द ट्रायल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी फाइनली कंक्लूडेड द कोर्ट नोटेड दैट केसिस इन्वेस्टिगेटेड बाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुड बी ट्राइड ऑन डे टू डे बेसिस एंड प्रायर टू ओवर अदर केसेस ठीक है ना तो ये तीन पॉइंट हम नोट करेंगे कह रहे हैं कोर्ट क्या कह रहे हैं कि हाँ ठीक है उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है जो एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है बट फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा आ, दोनों चीजों में कि आप ज्यादा देर तक उनको जेल में नहीं रख सकते

कौन डेजिग्नेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ठीक है बट ग्राउंड रियालिटीज आर टोटली डिफरेंट एज इन इंस्टेंट केस आफ्टर द द केम टू बी वे बैक इन चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर के चार्जेसिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट ऑन ट्वेंटी जून मतलब इतनी देर तक ट्रायल चल रहा है जबकि सेक्शन नाइनटीन और सेक्शन इलेवन एन आई ए एक्ट के कुछ और ही कहते हैं

को हर्ट करना या कुछ ऐसा करना जैसे यहाँ पर फ्लैग फ्लैग सिख रिलीजियस फ्लैग को कुछ किया तो उन्होंने कहा ये सैक्रिलेज है तो हमें सेक्रिलेज वर्ड पंजाब के अंदर गोल्डन टेंपल में भी अब हुआ था एंड अभी दोबारा से ये हुआ है कपूरथला में ठीक है ना तो पुलिस कह रही है कि ये थेफ्ट है बट जो लोग हैं वो कह रहे हैं सैक्रिलेज है सेक्शन टू एंड टू ए डील करते हैं इसे इनवॉज इम्प्रिजमेंट इन द केस विच इनवॉज डिस्ट्रक्शन डैमेज और डैमेज टू और

द बिल इंटेंड टू अमेंड द हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट तो ये क्या अमेंड करे द बिल सी टू ब्रिंग क्लैरिटी वेद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर इन टाइटल टू गेट एडिशनल पेंशन ऑन अटेनिंग सर्टेन एज तो ठीक है ना उनको दे आर एवरी रिटायर्ड जज और रेफर टू अली पेंशन है ना ऑन अटेनिंग अर्टेन एज तो क्या वो मिलनी चाहिए या नहीं ये डिसाइड करेगी ये, ये वाला जो uh, बिल है करंटली द रिटायर्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर प्रोवाइडेड विद एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और कंप्लीटिंग एट्टी ईयर एटी फाइव ईयर्स और नाइन्टी ईयर्स और नाइंटी फाइव विच एवर द केस में भी ये नोट कर लीजिए ठीक है ना दिज आर द स्लैब्स ऑफ पेंशन नाउ द कंफ्यूजन इज शुड द पेंशन बी गिवन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वैन ही कंप्लीट द एज और द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वैन ही एंटर्स द एज ठीक है ना जब वो कंप्लीट कर लेते हैं एज उस टाइम से देना चाहिए या फिर फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वैन ही एंटर्स द एज ठीक है ना द बिल इन सर्च एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस इशू तो बिल इसी बारे में एक्सप्लेन करता है द बिल सेज दैट द पेंशन शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कंप्लीटिंग द एज एंड नॉट इन द स्टार्टिंग ठीक है ना फर्स्ट डे ऑफ कम्पलीटिंग द एज जिस दिन ये कम्पलीट कर रहे हैं एज उसी दिन से ये प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है फॉर दिस सेक्शन सेवनटीन बी एंड सिक्सटीन बी आर टू बी इंक्लूडेड तो ये एक अमेंडमेंट हुई है ओके स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इंट्रोड्यूस एंटी डोपिंग बिल इन लोकसभा ये इंपॉर्टेंट है कौन सा बिल आया है किसने इंट्रोड्यूस किया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे अनुराग ठाकुर एंटी डोपिंग बिल इंट्रोड्यूस किया है द द बिल सीक्स टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर फंक्शनिंग ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी तो क्या है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इसके लिए लेकर आएंगे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसकी फुल फॉर्म क्या शॉर्ट फॉर्म क्या है एन ए डी ए क्या है एन ए डी एन ए डी ए की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए यस yes, पता होनी चाहिए नेशनल एन टी डोपिंग एजेंसी सभी नोट करेंगे इसको बिल इम्पावर्स नाडा बिल इम्पावर्स नाडा टू कंडक्ट रेट एंड स्ट्रेंद मेजर्स ऑफ टैकलिंग ड्रग अब्यूज इन इंडिया इट विल ऑल्सो प्रोवाइड स्टैचुटरी फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन नेशनल डोप टेस्टिंग लेपॉर्ड ठीक है ना एक क्या प्रोवाइड करेगी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है एनडी टी एल एंड अदर डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज एज वेल इट आल्सो प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ अ नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंटी डोपिंग एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ आर स्पोर्ट्स मिनिस्टर राइट दैट देर इज अ एंटी डोपिंग बिल विच इज गोइंग टू बी देयर विट इज अ बिल नॉट अ लॉ

फॉर कॉबिंग चाइल्ड लेबर राइट स्टेट गवर्नमेंट सीस टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दो इम्प्लॉय और फोर्स चिल्ड्रन बिलो फोर्टीन ईयर्स टू वर्क दिस इज इम्पॉर्टेंट कौन सी स्टेट लेकर आई है रिसेंटली तेलंगाना इम्पोर्टेंट है कौन सी एज से बिलो फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज फोर्टीन ईयर्स से जिनकी कम एज है उनको अगर कोई वर्क पर लगाता है तो क्या होगा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एज पर रिवाइज नॉम ए नॉर्म्स इफ एनी वन अटैम्प टू इम्प्लॉय चिल्ड्रन एज बिलो फोटीन ईयर्स यी विल बी पनिश्ड विद जेल टर्म ऑफ सिक्स मंथ

कलेक्टर से स्पेसिफिक यू नो अप्रूवल लेना पड़ेगा तो चिल्ड्रन विल बी अलाउड टू वर्क ओनली फॉर फाइव आवर्स विद वन ब्रेक आफ्टर थ्री आवर्स क्रू मेंबर्स आर रिक्वायर टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी ड्यूरिंग द शूटिंग फॉर द मोर चाइल्ड विल बी परमिटेड टू अटेंड शूटिंग अप टू ट्वेंटी सेवन डेज ओनली इन केस मोर देन फाइव चिल्ड्रेन आर टेकिंग पार्ट इन शूटिंग ए पसन हैज टू बॉइंटेड फॉर सुपरविजन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रेमिनेशन ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी फिक्स डिपोजिटि इन द बैंक दिस अमाउंट विल भी गिवन टू द चाइल्ड आफ्टर ही और शी बिकम्स अ मेजर सो दिस इज वॉट नाउ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सर रहता है कि कौन सी स्टेट कर आ रही है एज क्या है ठीक है ना चाइल्ड लेबर आ, किस एज के बच्चे को आ, अगर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये ये चाइल्ड लेबर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइट सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं नाउ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुज़ नॉट अ मिनिस्टर इज रेफर टू एज प्राइवेट मेंबर जो एक मिनिस्टर नहीं है ठीक है ना जो मिनिस्टर नहीं है नॉट अ मिनिस्टर इज रेफर टू एज अ प्राइवेट मेंबर इट्स ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न ठीक है ना इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स वन मंथ्स

जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन अब आ गया है, तो प्रियांबल क्या तो वैसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ प्रियांबल में कौन से वर्ड्स यू नो कौन से वर्ड यूज करे हुए हैं कौन से नहीं तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि रिप्लेस किस करवाना चाहते थे तो ये पूरा हमें याद करना पड़ेगा अगेन ऑन दिस नोट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मेरा खुद का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है जहाँ पर मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तो इफ़ यू वॉन्ट टू इन फॉर दैट यू कैन लिंक ऑफ द कोर्स गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट

एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी या कास्ट या रेस ग्रुप में कम्युनिटी रिलिजन और रेस उसके अगेंस्ट हेटरेट क्रिएट करना उसे कहते हैं हेट स्पीच right the speech may or may not have uh, meaning but is likely to result in violence but but violence it can lead to violence right the bureau of police research and development recently published a manual for investigating agency on cyber uh, harassment cases that defined hate speech as a language that denigrates insults

ठीक है ना हेट की तरफ किसकी तरफ uh, क्या चाहे वो एक पर्टिकुलर रेस एथनिसिटी जेंडर सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिलीजियस बिलीफ एंड बी लाइक तो आपको अभी तक पता तो चल ही गया होगा कि हेट स्पीच है क्या कि एक ग्रुप किसी एक ग्रुप के प्रति जब कोई हेट क्रिएट करने की कोशिश करता है ठीक है ना order to determine whether a particular instance of speech is a hate speech or not, the context of the speech plays an important role. one of the greatest challenges is not to exercise the principle of autonomy and free speech principles that are detrimental to any section of society. free speech is necessary to promote a plurality of opinions where hate speech becomes an exception to article 19.1, 8, freedom of speech and expression. article 19, sub-article 1, clause a, freedom of speech and expression is ka exception, but hate crime is covered kavarni

प्रजिक्यूशन ठीक है ना तो ये हमारे लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए व्हाट इज जनरल कंसेंट तो जनरल कंसेंट क्या होता है ये पता है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन आई ए विच इज गवर्न बाई एन एक्ट

पूरे कंट्री में है नोट कर लीजिए इसको बट सीबीआई क्योंकि ये द दे डेली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के अंदर आता है तो इसको

राइट right, तो ये है तो अब कोर्ट आ, कोर्ट में क्या गया है कोर्ट ने पूछा कि अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने बताया कि कुछ स्टेट्स ने ये वाली स्टेट्स ने ये इम्पोर्टेंट है ये सारी स्टेट्स का नाम याद होना चाहिए इन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर लिया है तो एक्शन नहीं ले सकती सी बी आई वहाँ पर ओके लोकसभा नोट फॉर अ बिल ऑन फार्मा फार्मा इंस्टीट्यूट लोकसभा पास स्पेशल स्टेटस टू सिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड सेटअप अ काउंसिल फॉर दिस तो एक तो काउंसिल फार्मास्यूटिकल मतलब ये जो मेडिसिन की रिसर्च होती है और ये सब है उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूट और आएंगे द करंट बिल विच अमेंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट जिसे नाइक पर भी बोलते हैं ठीक है दैट इस्टैब्लिश द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एट मोहाली इन पंजाब तो एक इनका इंस्टीट्यूट ऑलरेडी है जो कि कहाँ पर है मोहाली पंजाब में अब देखिए आप देखते होंगे कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखते हैं तो बहुत बार एक लोकेशन दे दी जाती है कि नाइपर ये इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है ठीक है ना तो ये मोहाली पंजाब के अंदर है अभी तक बट अभी ठीक है अब क्या कर रहे है? of of हैं विल इंकरेज हाई क्वालिटी रिसर्च एज इट अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू सिक्स मोर अब सिक्स मोर आ गए हैं ठीक है ना तो वो ऑप्शन दे सकते हैं कि मे बी आपको कह दिया कि कहाँ कहाँ पर है उसमें से एक ऑप्शन होगी जहाँ पर है बाकी सब जगह नहीं होगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो और कौन कहाँ कहाँ पर नाइपर को मतलब ये वाले इंस्टीट्यूट आ गए हैं अब अहमदाबाद गुवाहाटी हाजीपुर हैदराबाद कोलकाता रायबरेली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर अब स्टेटस दिया गया है अकॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस पे था मोहाली पंजाब के अंदर जहां पे आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली भी है। याद करने का तरीका कि आपका एक बहुत अच्छा लॉ स्कूल मोहाली के अंदर है

भी ओबीसी कैटेगरी की सीट्स है उनका जो सीट्स रिजर्व है ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो ओबीसी वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कुछ सीट्स पर्टिकुलरली रिजर्व होती है तो वो कह रहे कि जो ओबीसी के लिए सीट रिजर्व है महाराष्ट्र में जहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं उनके इलेक्शन अभी नहीं होंगे बाकी सारे इलेक्शन हो जाएंगे क्यों क्योंकि ट्वेंटी सेवन रिजर्वेशन का जो नोटिफिकेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है जब तक वो डिसाइड नहीं होता तब तक ओबीसी सीट्स पर इलेक्शन नहीं होंगे महाराष्ट्र আসলো ठीक है तो गाइज दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी विद दिस हमारा दिसंबर का और 2021 के जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं आई विल ट्राई कि मैं जान टू तो अप्रैल का कुछ ना कुछ डाल सकूं कुछ और नहीं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स डाल दूं फॉर लीगल करंट अफेयर्स मई से लेकर दिसंबर तक की हमने कर ली हैं लीगल करंट अफेयर्स सारी की सारी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गो हैड मेक नोट्स रिवाइज करो अपने एग्जाम्स अच्छे से दो एंड इफ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू कॉमेंट कॉमेंट खुलकर कॉमेंट करो मुझे मोटिवेट करो कि येस दी आप कर सकते हो हमारे लिए बनाओ होप so yeah, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी अगर लगी तो लाइक like कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पर हिट कर देना कॉमेंट कर देना ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ